पेगासस फोन्स की जासूसी विवाद ने बवाल मचा रखा है। इसमें कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम निकले हैं जिनके फ़ोन में सॉफ्टवेयर के ज़रिए जासूसी करी गई या वो जासूसी के टारगेट पर थे। चाहे वो राजनेता हो, एक्टिविस्ट, पत्रकार, बिजनेस पर्सन या जजेस, भारत में अधिकतर मोदी सरकार के खिलाफ लिखने बोलने वालों के नाम आए हैं इस लिस्ट में। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर सबसे बड़े नाम है इस लिस्ट में। और सवाल ये है कि लिस्ट में बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों तक के नाम आए हैं, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हो या जल शक्ति मिनिस्टर प्रहलाद पटेल, 40 मीडिया कर्मियों के भी नाम आए हैं जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करी है, मोदी सरकार की आलोचना करी है पत्रकारिता में। पर सवाल है कि गोदी मीडिया में से तो किसी का नाम नहीं। गोदी मीडिया बहुत ताकतवर है, उसमें से किसी का नाम नहीं। आपको बता दें, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, राहुल कंवल, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, रजत शर्मा या कोई भी टीवी एंकर आप ले लीजिए, कोई भी नाम, सरकार के इन पिछलग्गुओं में से किसी का नाम नहीं है। तो इस पर इनकी पत्रकारिता भी ऐसी रही है, सरकार का फिर से बचाव करते नजर आए हैं। जहां रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने इसे पेगासस कंट्रोवर्सी को फ्लॉप शो बताकर इस पर एक घंटे का अपना पूरा प्राइम टाइम किया, वहीं जी न्यूज़ ने इसे विदेशी साजिश बताते हुए बिना पैर की खबर बताया। सुधीर चौधरी ने तो अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देते हुए कहा कि मैं निराश हूँ इस खबर से। हैशटैग से नो टू फॉरेन कॉन्स्पिरेसी चलाकर उल्टा चोर खबर को छुपाने का खेल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गोदी मीडिया की ताकत, ये सरकार का पीआर करने में कितनी बड़ी ताकत है। इतना ताकतवर जासूसी जो तकनीक है वो भी गोदी मीडिया के फ़ोन में नहीं घुस पाई है। हम आपको बताएं कि असली किन पत्रकारों के एक्चुअली इसमें नाम आए हैं और क्या बड़ी और इससे जुड़े तथ्य हैं। पर एक अपील कर दे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द न्यूज़ बीक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ भी ये ज़रूर शेयर करें हमारा चैनल, उन्हें भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। आप हमारी ताकत है, हमारी ताकत को और बढ़ाइए। तो बड़े बड़े अखबार और वेबसाइट्स जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द वायर, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज़ 18, इंडिया टुडे, पायनियर, इन सब के कुल मिलाकर 40 सीनियर पत्रकारों और एडिटर्स के नाम है इस लिस्ट में, पर टीवी मीडिया, गोदी मीडिया का कोई नहीं। सबसे बड़े नाम जो लिस्ट में है वो ये हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक शिशिर गुप्ता, इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर सुशांत सिंह, मुजामिल जलील, रितिका चोपड़ा, ईपीडब्ल्यू के पूर्व संपादक परंजय गुआ ठाकुरता, आउटलुक के पूर्व पत्रकार एस एन एम आबिदी, द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह, इंडिया टुडे के संदीप उन्निथन, द ट्रिब्यून की स्मिता शर्मा, टीवी 18 के मनोज गुप्ता, द वायर के दो संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और एम के वेणु, और साथ ही में फ्रीलांस पत्रकार रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी, इनके नाम आए हैं। तो पेगासस की एक ऐसी तकनीक है, आपको कुछ तथ्य बताएं इस तकनीक के बारे में, जिससे छोटी से बड़ी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को हैक किया जा सकता है, वायरस के ज़रिए उसमें जासूसी करी जा सकती है। इसराइल की कंपनी NSO ने बनाया इसे, जो भारत समेत दुनिया की कई सरकारों को ये तकनीक सप्लाई कर सकती है या करती आई है। ये जांच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने मिलकर करी, जिससे दुनिया भर में सैकड़ों लोगों की लिस्ट निकली है। अधिकतर सरकारों के खिलाफ बोलने वाले इस लिस्ट में जासूसी जिनके खिलाफ हुई वो शामिल हैं, और बहुत बड़े बड़े 17 अखबारों ने, 17 वेबसाइट्स और अखबारों ने मिलकर इसे छापा है, जिसमें गार्डियन, द गार्डियन और वॉशिंगटन टाइम्स जैसे बड़े अखबारों ने इसे छापा है। भारत में द वायर वेबसाइट पर सबसे पहले ये छपा है। इन सब पर जासूसी 2018 से 2019 के दौरान ज़्यादातर उस टाइम हुई, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले, उन चुनाव से भी लेना देना हो सकता है इस जासूसी का। वही भारत सरकार ने जासूसी के इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है, पर जैसे हम स्टोरी कर रहे हैं और भी लिस्ट में नाम निकलते आ रहे हैं। ये तो पहली लिस्ट है, आशा ये लोग देख रहे हैं, ये कहना है द वायर का कि और भी कई नाम आएंगे आगे वाले दिनों में, हफ्तों में और भी लिस्ट निकलती रहेंगी।
तो इन चौंकाने वाली लिस्ट आगे आती रहेंगी, अभी और निकलना बाकी है। तो इसमें ये ज़रूर है कि लिस्ट में आने से पक्का नहीं है कि जासूसी हुई है या सिर्फ ये जासूसी करने के टारगेट थे ये लोग। इस पर जांच ज़रूर होनी चाहिए कि एक्चुअली एक्चुअली हुआ क्या है। इसके लिए एक एक्स्ट्रा जांच ज़रूर होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। तो अब इस धुआंधार खबर को, इस विवादित खबर को शेयर ज़रूर करें। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जैसे कैसे बिना बताए ऐसे जासूसी कर रही है अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर्स के लेके, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में हो रहा है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करिए ही, साथ में हमारे चैनल द न्यूज़ बिग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण खबर करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे को द न्यूज़ बिग चैनल को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, हम वहाँ भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। शुक्रिया।